हेलो स्टूडेंट्स ओवर डी वाम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इट्स अमिता मैम हेयर विद टूडेज लेक्चर सो स्टूडेंट्स बेटा लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ कंप्लीट हो गया था आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज़ योर चैप्टर नंबर सिक्सथ योगा आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा देन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बेसिकली आपके चार टॉपिक्स हैं फर्स्ट वन इज़ योर मीनिंग डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा सेकेंड वन आपका रहेगा डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योगा थर्ड वन जो है वो आपका रहेगा योगा एज एन इंडियन हेरिटेज एंड फोर्थ वन जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ योगा इन स्पोर्ट्स तो ये चारों टॉपिक हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सो so, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें इस चैप्टर का दैट इज़ द वट इज़ द मीनिंग डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा मैंने आपको इस पी डी एफ में सिर्फ मीनिंग एंड डेफिनेशन सेंड की है क्योंकि आज हम मीनिंग और डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे सो so, अगर आप योगा को डिफाइन करते हो या योगा का मीनिंग देखते हो तो योगा एक संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है युव जिसका वर्व फॉर्म अगर आप देखो तो वो क्या होता है टू यूनाइट आर टू ज्वाइन किसी चीज़ को यूनाइट करना या फिर किसी चीज़ के साथ ज्वाइन होना इट इज़ अ साइंस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ़ मैन कॉन्शियसनेस इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ये एक ऐसी साइंस होती है जिसमें डिवेलपमेंट होती है मैन कॉन्शियसनेस की दैट मीन्स कि मैन की जो कॉन्शियसनेस है वो डिवलप होती है इसी के साथ ये किसके साथ कंसर्न में होता है विद द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द एब्सल्यूट और डिवाइन सोल और अगर हम अनदर वर्ड्स में इसको डिफाइन करें तो ये क्या होगा जब हमारी अपनी जो सोल होती है वो किसके साथ यूनाइट होती है विद द एब्सल्यूट दैट मीन्स कि सुप्रीम सोल के साथ या गोड गॉड सोल के साथ उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज अ योगा एंड नेक्स्ट वन डिफाइन जो है दैट इज़ इट इज़ कंसर्न विद द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सोल विद द एब्सल्यूट और डिफाइन सोल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है अगर आपको अनदर वर्ड्स में आप इसमें मीनिंग देखो तो योगा क्या होता है यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा विद परमात्मा दैट मीन्स कि जो आपकी आत्मा यूनाइट होगी किसके साथ परमात्मा के साथ देन इट आल्सो मीन्स द यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल मेंटल इंटेक्चुअल एंड स्परिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इसी के साथ जो योगा है वो क्या है यूनिफिकेशन ऑफ फिजिकल मेंटल इंटेक्चुअल एंड स्परिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स दैट मीन्स कि जब ह्यूमन बींग के ये सारे अस्पेक्ट्स क्या होते हैं यूनाइट होते हैं उसको आप क्या डिफाइन करते हो एज अ तो ये था आपका मीनिंग ऑफ योगा जिसमें हमने वेरियस डेफिनेशंस uh, को डिस्कस किया है या वेरियस फॉर्म्स ऑफ हाईलाइटिंग योगा को डिस्कस किया है देन अब आप इसकी डेफिनेशन्स देखो तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन्स पढ़ेंगे जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू महर्षि वेद व्यास महारिषि वेद व्यास ने कैसे डिफाइन किया है योगा इज अटेनिंग द पोज जब हम किसी भी पोज को अटेन करते हैं उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज अ योगा देन सेकेंड वन इज़ अकॉर्डिंग टू पतंजलि तो पतंजलि ने क्या डिफाइन किया है चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इज योगा जब हम अपने माइंड की इम्पल्सिस को चेक करें खुद से या फिर हमारी माइंड पर फुल कंट्रोल हो उसको आप क्या डिफाइन करोगे एज अ योगा देन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता भगवदगीता में लॉर्ड कृष्णा ने योगा को कैसे डिफाइन किया है या फिर अपनी एफिशियंसी को डेवलप करते हैं उसको आप क्या डिफाइन करते हो एज योगा टू श्री भारती कृष्ण तीर्थ इसने क्या बोला हैज योगा इसने बोला है जब हम अपने आप को गॉड के साथ क्या करते हैं यूनाइट करते हैं जब एक इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी अपने आप को गॉड के साथ यूनाइट करती है उसको क्या डिफाइन करती है एज योगा तो ये था बेटा आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स थैंक यू हैव अ नाइस डे